निखिल सिंह जो कनेक्टेड है, निखिल आप कहाँ से कनेक्ट किया आपने? हेलो मैम, हाँ जी, आपने कहाँ से कनेक्ट किया निखिल? एमजेएम कंप्यूटर में दीपक सिंह राजपूत बोल रहा हूँ मैं अच्छा, ठीक है। जी। ओके, अभी देखिए आप यहाँ पर आते हो आप, और ये मैं आपको पैनल दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सबसे पहले सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। देखो ये आपका इस तरीके से सॉफ्टवेयर आपको शो करेगा। यहाँ पर आपका देखो लिस्ट ऑफ कंपनीज पे डायरेक्टली आप आ गए, मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे। अभी देखो मेरे पास इतनी सारी एन नंबर ऑफ कंपनीज आ रही हैं, बट आपके सॉफ्टवेयर में जब आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे तो ये बिल्कुल ब्लैंक होगा, और आपको नई कंपनी बनानी होगी ताकि आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके काम कर सको। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद आप इस वाली विंडो पर आते हो फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये आपका डाउनलोड का प्रोसेस था। दूसरी चीज, अगर पैनल देखें तो पैनल के लिए आप यहाँ पर आओगे, margeducation.com जो मैंने आपको बताया, वहां से लॉगिन करोगे। लॉगिन के लिए आपको आईडी पासवर्ड जो दिया जाएगा वो आपके मेल पर आएगा। ये लेट सपोज एक स्टूडेंट का ये आईडी एंड ये पासवर्ड है, मैंने क्लिक किया लॉगिन पर आईडी पासवर्ड डाल के। एक सेकेंड, ठीक है। ये देखो, ये डैशबोर्ड आ जाएगा, इस तरीके से आपका पैनल ओपन होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कोर्स का, कोर्स पर क्लिक करोगे आप, आपका जो कोर्स है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस पर क्लिक करोगे, और ये आपके जो मैंने आपको बताया था ना, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, सारे आपके वीडियोस एंड पीडीएफ अवेलेबल। डे वन पे आप क्लिक करोगे, कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है उसका पीडीएफ आपको देखना है तो पीडीएफ पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि किस तरीके से पीडीएफ को, पीडीएफ रीड करके आप ये पता लगा सकते हो कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना कैसे करना है। वैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है कि www.markcompusoft.com पे जाके वहां पर आपको अपना डिटेल्स अपडेट करना है, एंड देन उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, ये रहा। इस तरीके से देखो आपको कंप्लीट इसमें पीडीएफ अवेलेबल है, आपको दिया हुआ पीडीएफ आप देख सकते हो। देन पीडीएफ व्यू करने के बाद अगर आपको असाइनमेंट डाउनलोड करना है तो यहीं से असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक असेसमेंट टेस्ट देके देखना चाहते हो, मतलब इन तीनों टॉपिक का, कंपनी क्रिएशन, न्यू फाइनेंशियल ईयर एंड डाउनलोड, अगर ये तीनों टॉपिक आपके हो चुके हैं, लेट्स सपोज मैंने उसको आपको लाइव क्लास में बता दिया है और आपने यहाँ से भी वीडियोस वगैरह देख के सीख लिया, तो आप अपना असेसमेंट टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और हर देखो 10 क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रांच कोड का क्या मतलब होता है? देन सेकंड क्वेश्चन है मॉडिफाई ऑफ अ कंपनी, लाइक किस किससे आप मॉडिफाई कर सकते हो कंपनी, हाउ मेनी वर्जन ऑफ मार्क ईआरपी, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, वॉट इज द यूज ऑफ वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग न्यू कंपनी, ये सारे ऑप्शन आपको बताए जाएंगे। तो आप हाउ टू डिलीट अ कंपनी, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर उसके क्वेश्चन का आंसर देके देन अपना जो भी रिजल्ट है वो देख सकते हो। ये चीज समझ आ रही है सभी को? सिंपली आपको इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन क्लिक करना है, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट करके सबमिट टेस्ट करना है। किसी का कोई डाउट है इसमें? ये आपका है पैनल जो आपको दिया जाएगा। ठीक है, वो आप इजीली देख सकते हो, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक टाइप ऑफ आपका ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल रहेगा आपका। ठीक है, जिसमें आपने जो भी चीजें प्रैक्टिकल में सीखी उसका डायरेक्टली आप असेसमेंट दे सकते हो। जैसे आपको ये तीनों टॉपिक आते हैं, प्रैक्टिकल में सीख लिया, आप पीडीएफ एंड वीडियो नहीं देखना चाहते, डायरेक्टली असेसमेंट देना चाहते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। ये चीज समझ आई?
अच्छा, अब अगर किसी का कोई कंफ्यूजन हो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के प्रोसेस में, पैनल जो मैंने आपको दिखाया उसके प्रोसेस में, या फिर किसी और चीज के प्रोसेस में, तो वो बता सकते हो आप मुझे। जो भी चीजें मैंने आपको बताई, सॉफ्टवेयर और इसका प्रोग्राम, क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, ठीक है, LMS हमने डिस्कस कर लिया, डाउनलोड प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया, अब कैसे आपको इन्वेंटरी एंड अकाउंटिंग मेंटेन करना है वो हम इस सॉफ्टवेयर में सीखेंगे। क्लियर? यहाँ पे हम कंपनी बनाएंगे एंड उसके अंदर सारी वर्किंग करेंगे। ये चीज समझ आई सभी को? ठीक है, कोई डाउट किसी का? ओके, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आप सभी लोग एक बार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके देखना सभी लोग, ठीक है, कि कैसे किस तरीके से सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होता है, ठीक है। बाकी इसके आगे का क्या प्रोसेस है, कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, कैसे इन्वेंटरी एंड अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, यानी कि कल जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे का प्रोसेस सीखेंगे। अच्छा, एक बार ये जो 300892 से जिन्होंने कनेक्ट किया है, आप लोग मुझे अपना नाम बता दीजिए। 300892 से जिन्होंने कनेक्ट किया है एंड जेब ग्रेविटी से जिन्होंने कनेक्ट किया है, अच्छा आपने भी जबलपुर से ही कनेक्ट किया है, ठीक है। जेब ग्रेविटी छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज जो हमने किया, आज जस्ट एक बेसिक चीजें हमने सीखी कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ये ओवरव्यू था आपका। जो एक्चुअल में जो लेक्चर है वो कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। कल हम लोग थोड़ा इसका सॉफ्टवेयर के बारे में और कंपनी क्रिएशन, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।